रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट ठाक हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज आपको बहुत ज़बरदस्त अचार गोश्त की एक अलग तरीके से रेसिपी बताऊंगी। ऐसे तो बहुत तरह से अचार गोश्त बनाया जा सकता है, जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त और यूनिक, बहुत ही झटपट मज़ेदार सी रेसिपी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गोश्त ले लिया बच्चिया का, सही है, आधा किलो बच्चिया गोश्त ले लिया, के साथ जो है कुछ चिकनाई रोटी यानी कि रिवाड़ ले लिया हमने, तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो पतीली में मैंने जो है हल्का सा ग्रीसिंग के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। अब इसके अंदर मैं ये गोश्त डाल दूँगी। साथ में इसमें प्याज, ये प्याज मैंने जो है 5 अदद बड़ी बड़ी साइज की थी वो डाली। साथ में जाएगा इसके अंदर हल्दी, 1/4 teaspoon हल्दी और 1 to 2 tablespoons लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 tablespoons भर के डाल दिया। अब इसमें साथ में पानी शामिल कर दूंगी, कुछ नहीं डालना है आपको, गलने के लिए छोड़ देना है। तो बच्चे गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा, तो उसको मैं आधे से पौन घंटे तक चढ़ाए रखूंगी और आधे पौन घंटे में इंशाल्लाह गल जाएगा ये। तो पानी हमने इतना लेना है कि बस हल्का सा डूब जाए, इतना नहीं कि पूरा तरी आ जाए ऊपर, बस ये हमारा नज़र आना चाहिए ऊपर जो हमने डाला है प्याज और गोश्त, बस इतना पानी हो। अभी को हम तेज आंच से पहले 10 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि तेज आंच पे इसको बॉयल आने तक इसको जो है कुक करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे। तो तकरीबन 45 मिनट तक पकेगा बच्चे का गोश्त, इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ये स्टेप तो हो गया गलने का। अब मैं जो है इसमें जो है दही ले लूँगी बाउल में। तो दही मैंने जो है तकरीबन 1/2 पाव के करीब ली है दही। इसमें जाएगा शान का अचार गोश्त मसाला, ये ज़रूर डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त जो है आपकी ग्रेवी मज़ेदार सी टेस्ट आएगा। ये डाल दिया मैंने पूरा 1 साशे भर के। साथ में जाएगा इसमें लेमन, लेमन मैंने जो है 2 डाल रही हूँ अचार गोश्त था और उसमें लेमन ना हो ये कैसे हो सकता है, इसलिए अचार गोश्त बनाइए तो उसमें लेमन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तभी आपका जायका ज़बरदस्त होगा। रेसिपी तो वैसे डब्बे पे भी जो होता है शान का जो मसाला आता है उसके डब्बे पे भी लिखी हुई होती है, वो अलग होती है, मगर इस तरीके से आप बनाएंगे अलग जायका आएगा, थोड़ा बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने नमक भी शामिल कर दिया था सालन में, वैसे इसमें भी होता है, थोड़ा बहुत सालन में भी शामिल कर दिया, वो आपको दिखाया नहीं, स्किप हो गई वीडियो, सॉरी। अब मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े की बेहतरीन ये डिश बनेगी, सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त इससे ग्रेवी बनेगी, जिस तरीके से बता रही हूँ तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी, मसालेदार लटपटी सी, मसाला सारा गोश्त पे ऐसे लटपटा सा होगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये मिर्चियाँ टमाटर मैंने कट करके रख लिया है, तो मिर्चों को मैंने इस तरह से बीच में चीर लिया है, सही है, इस तरीके से मैंने मिर्चों को चीर लिया है, मैंने बीच में हर सारी मिर्चों को, आप जितनी मिर्ची पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर वालों को। अब इस मिर्चों में जो है मैं दही का ये पेस्ट शामिल करती जाऊंगी, 1/1 teaspoon जितना आप डाल सकते हैं, जितनी मिर्चियों का पेस्ट उतना डालें, इतना सब में डाल दूँगी मैं, बाकी जो बचेगा वो मसाले में काम आएगा। इस तरीके से तमाम मिर्चों में हम ये दही का पेस्ट भर लेंगे, इसमें मैं डाल दूँगी ये दही का पेस्ट, ये जो मैंने बनाया है मिक्सचर, इस आचार इस तरह से डालती जाऊंगी, ये सारी इस तरह फिल कर लूँगी। जैसे व्यूअर्स से ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ और चीज़ें, तो इसमें जाएंगी, इसमें टमाटर जाएगा, सही है, 4 मीडियम साइज के बड़े कटे हुए टमाटर, और ये मसाले वाली दही जो हमने शान मसाला डाला था, 4 ही गोश्त मसाला शान का, वो शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी होगी। अब इसके साथ में भुनाई करनी, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 2 tablespoons जो है भरकर ऑयल से आएगा इसके अंदर, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको, इतना भूनना है इसका पानी खुश्क हो जाए, ठीक है, और दही टमाटर भी बिल्कुल जो है बिल्कुल मैश हो जाए। खुश्क होने लगा है तो उस पॉइंट पर हम डालेंगे चाइनीज सॉल्ट, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाता है अचारी गोश्त में, तो ये ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है, अगर आप बेस्ट जायका बेस्ट फ्लेवर चाहते हैं तो चाइनीज सॉल्ट ज़रूर डालिएगा। इसको मैं जो है इस
आखिर में इसमें मिर्ची डालूंगी उस पॉइंट पे जब ये हम भूनने का हमारा टाइम आएगा, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा भूनने वाले पॉइंट पे ही मिर्ची डालूंगी। पहले डाल दूंगी तो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगी, मिर्ची अच्छी नहीं लगेंगी, करंचीपन अच्छा होता है चारी को, इसमें मिर्चों का करंचीपन अच्छा लगता है। ये देखिए भैया भूनने का टाइम आने वाला है, पानी खुश्क होने वाला है, तो इस पॉइंट पर हमारी मिर्ची डालेंगे ताकि हरी मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए, बिल्कुल कच्ची कच्ची भी ना रहे। और बिल्कुल शुरू में भी नहीं डालना है कि पूरी वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मैश हो जाए मिर्च, वैसे भी नहीं बनानी हमें। ये देखें भैया पानी खुश्क होने लगा है बिल्कुल, थोड़ा सा पानी फाउंटेन रह गया है और प्याज और टमाटर जो था वो बिल्कुल मैश हो गया है। कोई इसमें मैंने ग्राइंड करके या पीस के नहीं डाला, पेस्ट नहीं डाला, तब भी देखें आप कितनी अच्छी थी थिक ग्रेवी। अगर इस तरीके से आप अचार को बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत मज़े की ग्रेवी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी यानी कि कम होगी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं प्याज डालकर, तो प्याज भी देखें खड़ी खड़ी कोई प्याज नज़र नहीं आ रही है। इसको अच्छी तरह से हमें भुनाई करनी है और पानी खुश्क होने के बाद 10 से 15 मिनट तो भुनाई में ही लगाने हैं। जितना अच्छा भुनाई में इसको आप टाइम देंगे उतनी अच्छी इसकी जो है जायका में जो है आएगा, मज़ेदार सा जायका आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसकी भुनाई अच्छी तरीके करनी है, 15 मिनट तो कम से कम बता रही हूँ मैं, भुनाई 15 मिनट ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया है, भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार थी, यूनिक से खुशबू आ रही है। तो चले मैं आपको ये डिश आउट करने से पहले थोड़ा सा जितना शोरबा रखना है उतना पानी भी डाल दूँगी ताकि हमें जितना शोरबा चाहिए तो उसी लिहाज से हम फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि इसका किसकी कंसिस्टेंसी ये है। सिर्फ मसाला ही मसाला है तो शोरबा जो है नहीं है, हम शोरबा चाहिए होगा थोड़ा सा, देखें इस तरह से थोड़ा शोरबा डालूंगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से डिश रेडी हो गई, अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी मज़ेदार की ये डिश होती है। तो ये देखें इतने मज़े की डिश है और इतना झटपट से बन गई है, कोई इतना जो है परेशानी वाली बात नहीं, आराम से बन गई, कोई पीसना वीसना कुछ नहीं है, और खुद ही मसाला बन गया प्याज टमाटर का। ये आप रिवाज के साथ डाल के बनाएंगे ना अचार गोश्त तो चार चांद लग जाएंगे आपके अचार गोश्त को इंशाल्लाह। क्योंकि ये अचार गोश्त है इसलिए इसमें मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, हमारे घर में अचार गोश्त में मिर्ची ज़्यादा खाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्ती हमारी अचारी गोश्त की नए तरीके से रेसिपी जो है रेडी हो गई है, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, इन्जॉय कीजिए, इन्जॉय करवाइएगा, ज़बरदस्त ही रेसिपी होती है। तो इसमें गोश्त और सब कुछ इतना अच्छी तरीके से गल चुका है और रिवाज का तो अलग ही इसमें अलग ही बात है, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है रिवाज, ये देखें रिवाज का जायका ही अलग होता है और मसाला कितने अच्छे तरीके से बना है इस तरीके से मैंने बताया है। तो प्याज की वजह से इतनी अच्छी ग्रेवी आई है, आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए और जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर जगह से आपको रिस्क खुशियाँ और नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान ना हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।